हाय, वेलकम टू स्टील डिज़ाइन। काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि पीबी को विद क्रेन कैसे डिज़ाइन किया जाए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक पीबी विद क्रेन्स। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो क्रेन की लोडिंग को समझने में आती है। तो हम शुरुआत करेंगे बेसिक्स के साथ कि क्रेन कैसे वर्क करती है, उसका जो लोडिंग है वो कैसे एक्ट करती है क्रेन बीम पे, और क्रेन बीम के बाद ब्रैकेट पे और आपके फ्रेम पे वो लोडिंग कैसे एक्ट करती है। तो सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन होती क्या है। तो एक क्रेन इज ए मशीन दैट इज कैपेबल ऑफ रेजिंग एंड लोवरिंग हैवी ऑब्जेक्ट एंड मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो कंपोनेंट्स ऑफ एन ईओटी क्रेन, तो ईओटी क्रेन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो ये जो इसके कंपोनेंट्स हैं, ये ट्रॉली, ये पेंडेंट, पेंडेंट इज नथिंग बट द रिमोट कंट्रोल, ओके, और ये ट्रॉली कंडक्टर, ये सारे उसके छोटे छोटे जो भी एक्सेसरीज हैं वो सारे होते हैं। लेकिन जो उसके जो मेन पार्ट्स हैं उसको समझने के लिए हम सपोज करो ये एक लिफ्टेड वेट है हमारा, ए बी सी कुछ भी मैट्रिक टन। अब लिफ्टेड वेट को उठाने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हमको ज़रूरत पड़ेगी हुक की, ओके। तो हुक से वो वेट को हमको उठाना पड़ेगा। अब हुक को सपोर्ट करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी क्रैब की। क्रैब या होइस्ट क्या होता है? उसमें कुछ नहीं होता, उसमें एक मोटर लगी होती है और उसमें इलेक्ट्रिकल के कुछ इक्विपमेंट लगे होते हैं। अब ये जो पूरी असेंबली है क्रैब की, होइस्ट की और ये लिफ्टिंग वेट जो है उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी क्रेन ब्रिज की, ओके। तो जो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है ब्रिज, क्रेन का ब्रिज। अब क्रेन का ब्रिज और ये इनको मूव करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी व्हील्स की, और व्हील्स किस पे सपोर्ट करेंगे? क्रेन बीम पे। तो ये जो मेन जो कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स किसी क्रेन के यही होते हैं, हमको केवल इन्हीं को समझने की जरूरत है। हर बार हमको जो डेटा चाहिए होगा वो इन्हीं कंपोनेंट्स का चाहिए होगा। अब क्या है, थ्री मोशंस ऑफ ईओटी क्रेन। ईओटी क्रेन के जो मोशंस होते हैं वो तीन होते हैं। पहला मोशन, इसको ध्यान से देखना, पहला मोशन है द फर्स्ट मोशन इज द होइस्ट विच रेज एंड लोअर द मेटेरियल। ये जो है हमारा, ये होइस्ट है जो किसी भी वेट को जो हम उठाते हैं उसको अप और डाउन करने के काम आता है। तो ये उसका पहला मोशन होगा। इस मोशन को आप बोल सकते हो वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन। सेकेंड है, द सेकेंड इज द ट्रॉली क्रॉस ट्रेवलर विच अलाउ द होइस्ट टू बी पोजिशन डायरेक्टली अबव द मेटेरियल फॉर प्लेसमेंट। सेकेंड वाला, ये वाला हमारा क्रैब या होइस्ट है जो इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवलिंग प्रदान करता है। थर्ड वाला है, द थर्ड इज द गैंट्री और ब्रिज मोशन लॉन्ग ट्रेवल विच अलाउ द एंटायर क्रेन टू बी मूव्ड अलोंग द वर्किंग एरिया। इन तीनों मोशन को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो फर्स्ट मोशन है ये हो गया आपका वाई डायरेक्शन का मोशन, ये जो सेकंड है ये आपका हो गया एक्स डायरेक्शन में जो ट्रेवल करेगा, और जो थर्ड वाला है वो आपका जेड डायरेक्शन का। तो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में कोई भी क्रेन आपका ट्रेवल कर सकती है। वाई डायरेक्शन में उसका जो हुक है वो ट्रेवल करेगा, एक्स डायरेक्शन में उसका जो होइस्ट है वो ट्रेवल करेगा, और जेड डायरेक्शन में पूरी की पूरी असेंबली को ट्रेवल किया है, कराया जा सकता है, ओके। तो ये तीन तरह से ये मूव होती है क्रेन। इसके बाद हम जानते हैं टाइप ऑफ ईओटी क्रेन्स। अब ईओटी क्रेन्स मेनली कितने तरह की होती है? तो फर्स्ट जो है ईओटी क्रेन वो होती है सिंगल गर्डर क्रेन। सिंगल गर्डर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें केवल ये जो ब्रिज है ब्रिज में केवल एक ही गर्डर यूज होगा। दूसरी है आपकी डबल गर्डर क्रेन। डबल गर्डर क्रेन इज नथिंग बट द गर्डर यूज इज टू, दो गर्डर को यूज करते हुए जो क्रेन बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं डबल गर्डर क्रेन, ओके। तो ये एक मोटा मोटा हमने क्रेन के बारे में जान लिया है, उसके कंपोनेंट्स के बारे में जान लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे उसकी लोडिंग के बारे में जानने के लिए। क्रेन डाटा में सबसे इम्पोर्टेंट है व्हील लोड, कि ये व्हील लोड होता क्या है। तो हम निकालते हैं व्हील लोड की कंडीशन को किसके लिए, इफ हुक इज एट द सेंटर ऑफ ब्रिज, ओके। तो सपोज करो हमारा लिफ्टेड वेट जो है वो है 12 मैट्रिक टन, ओके, और 12 मैट्रिक टन के लिए जो हमारा जो ब्रिज का और ट्रॉली का दोनों का वेट मिला के हमारा आता है 4 मैट्रिक टन। तो इसके लिए जो हमारा जो व्हील लोड होगा, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो व्हील लोड कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है कि व्हील लोड इज इक्वल टू 16
16 जो होगा 12 लिफ्टेड वेट प्लस 4 मेट्रिक टन आपका ब्रिज का वेट और जो होइस्ट और आपके क्रैब का वेट मिला के 4 मेट्रिक टन। तो 4 मेट्रिक टन प्लस 12 मेट्रिक टन इजकल टू होता है 16 मेट्रिक टन, और ये 16 मेट्रिक टन को हम डिवाइडेड कर देंगे 4 नंबर्स ऑफ व्हील में, क्योंकि जो आपका हुक की जो पोजीशन है वो ब्रिज के बिल्कुल सेंटर में है। तो ये जो टोटल जो वेट कैलकुलेट हो क्या है 16 मेट्रिक टन, वो डिवाइडेड हो जाएगा 4 नंबर्स ऑफ व्हील्स में, इक्वली डिवाइडेड होगा। तो जो डिवाइडेड होके जो व्हील के ऊपर जो लोड आएगा वो आएगा 4 मेट्रिक टन, एक व्हील के ऊपर जो लोड आएगा वो आएगा 4 मेट्रिक टन। तो 4 मेट्रिक टन को हम, क्योंकि ये लोड व्हील व्हील से ट्रांसफर होता है, तो इसको हम बोलते हैं व्हील लोड। तो इस केस में जब हुक बिल्कुल ब्रिज के सेंटर पे होगा, उस केस में इस 12 मेट्रिक टन लिफ्टेड वेट और 4 मेट्रिक टन ब्रिज और क्रैब के वेट के लिए वी लोड हमारा 4 मेट्रिक टन कैलकुलेट होता है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं मैक्सिमम व्हील लोड की। ये अभी जो हमने कैलकुलेट किया ये था व्हील लोड, अब हम वो कंडीशन को निकालेंगे कि ये व्हील लोड किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम व्हील लोड कब होगा, सेम उसी 12 मेट्रिक टन लिफ्टेड वेट के लिए देखते हैं। तो ये मैक्सिमम व्हील लोड हमारा तब होगा जब आपका जो लिफ्टेड वेट है वो एक तरफ के गैंट्री पे प्लेस हो जाए, मतलब उसकी जो पोजीशन है वो स्टार्टिंग पे आ जाए। तो हमारा जो मैक्सिमम व्हील लोड है वो कैलकुलेट होगा उस केस में। अब इसमें हम देखते हैं कि 12 प्लस 4, ठीक है, तो मैक्सिमम व्हील लोड होगा 12 मेट्रिक टन इज नथिंग बट द लिफ्टेड वेट, और जो 2 मेट्रिक टन है, अगर ये जो हमारी टोटल असेंबली है 4 मेट्रिक टन की ब्रिज की और क्रैब की मिला के, तो इस केस में हम ये देखते हैं कि एक तरफ उसका हाफ ब्रिज का हाफ जो एकोमोडेट होगा, तो इस तरफ जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 12 प्लस 2 मेट्रिक टन, और जो हमारा मैक्सिमम व्हील लोड कैलकुलेट होगा इस केस में 7 मेट्रिक टन आएगा। तो ये जो 7 मेट्रिक टन है ये होगा हमारा मैक्सिमम व्हील लोड, और जो दूसरी तरफ के व्हील्स पे जो हमारा 1 मेट्रिक टन कैलकुलेट हुआ है इसको हम बोलेंगे मिनिमम व्हील लोड। तो ये दो दो डाटा जो क्रेन का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम व्हील लोड और मिनिमम व्हील लोड। और ये जो डाटा है ये आपको किसी भी क्रेन वेंडर से जब आप डाटा लेंगे ना कि हम इस वेंडर की क्रेन को हम लेना चाह रहे हैं, तो आपको ये डाटा खुद प्रोवाइड भी करा देगा कि आपका मैक्सिमम व्हील लोड और मिनिमम व्हील लोड मेरी क्रेन के लिए कितना होगा। अगर वो डाटा आपके पास नहीं है तो आप इसी तरह से मैन्युअली इस व्हील लोड को निकाल सकते हैं। जैसे ये एक कंपनी है लक्ष्मी इंजीनियर्स वर्क, इनकी 10 मेट्रिक टन की कैपेसिटी की क्रेन है, तो इन्होंने जो अपना जो डाटा है वो दिया हुआ है मैक्सिमम वर्टिकल रिएक्शन, मिनिमम वर्टिकल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल लेंथवाइज रिएक्शन, ये इन्होंने सारा दिया हुआ है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था पूरा क्रेन के बारे में, क्रेन क्या होती है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, उसकी लोडिंग कैसे आती है, उसकी लोडिंग ट्रांसफर कैसे होती है, और हम व्हील लोड उससे कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम व्हील लोड। अब आपको मैक्सिमम व्हील लोड को पता चल गया मैक्सिमम व्हील लोड होता क्या है। अभी हम इस मैक्सिमम व्हील लोड से जब हम फ्रेम डिजाइन करेंगे उसके ब्रैकेट पे इस मैक्सिमम व्हील लोड से मैक्सिमम रिएक्शन उस ब्रैकेट पे कितना आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे। उस मैक्सिमम रिएक्शन के लिए आप फ्रेम डिजाइन करेंगे ताकि आपका फ्रेम उस क्रेन के लोड को लेके आप उसको सेफली डिजाइन कर पाए।